उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है कि हमने ऑब्जेक्ट लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके अंदर हमने क्लास और ऑब्जेक्ट को हम लोग देख चुके हैं। आफ्टर दैट हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाले हैं। आज इस टॉपिक के अंदर हम लोग कंस्ट्रक्टर को देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर खुद क्या है, पैरामीटर कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर का टॉपिक जो है वो हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर खुद क्या है। कंस्ट्रक्टर जो है हमारे पास वो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं कंस्ट्रक्टर, और जो हम लोग क्रिएट करते हैं क्लास नेम को कंस्ट्रक्टर हम लोग क्रिएट करते हैं। क्लास का जो भी नेम होगा वही हम लोग जो है ना क्या करते हैं, सेम नेम ऑब्जेक्ट का भी हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कंस्ट्रक्टर कुछ इस तरीके से कॉल्स होती है हमारे पास, कि सबसे पहले मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आता हूँ और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे आके मैं एक क्लास बनाता हूँ, स्टूडेंट्स के नाम से। मैं स्टूडेंट्स के नाम से एक क्लास बनाई, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब मैं जो है ना डिक्लेयर कर रहा हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होगा, मैंने आपको कहा जो सेम नेम होगा वो यहाँ पर भी उसका सेम नेम ही आएगा यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ, मैंने यहाँ पे कहा कि स्टूडेंट जो है STUDENTS, स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे मैं कोई भी पैरामीटर जो है ना यूज़ करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे आके स्ट्रिंग मेरे पास है, स्ट्रिंग के अंदर मैं फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं मैं स्ट्रिंग ही दे देता हूँ, ठीक है। एंड देन एक मैं इंटीजर टाइप का ले लेता हूँ, ठीक है। इंटीजर टाइप मतलब कि मैं क्या करूँगा, मैं एक नाम जो है ना और एक ऐसा उसका एज जो है ना क्या कर दूँगा, प्रिंट के अंदर शो कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर उसके अंदर इंटीजर टाइप की कोई मैं एज ही ले लेता हूँ और मैंने कहा मुझे एज, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ और कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन कर देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे जो है ना मैं कह देता हूँ कि जो मेरे पास प्रिंट के अंदर नेम है, ठीक है, मैंने कहा प्रिंट्स में नेम जो भी है, द नेम इज, ठीक है। एंड यहाँ पे डॉलर लगाया एंड देन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, जो नेम होगा तो मतलब str, ठीक है ना। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर दिया एंड देन लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल प्रिंट कर देता हूँ जो मेरे पास एज है उसको भी प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, और मैंने कहा कि द एज इज़, ठीक है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा, डॉलर साइन आएगा, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स एंड देन मेरे पास क्या आएगा, एज आएगा, ठीक है। और लास्ट में जो है कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, वहाँ आगे जाके ये मेरे पास क्या हुआ, पैरामीटराइज, मैंने पैरामीटर को क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर के थ्रू डिक्लेयर कर दिया। कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो ये मेरे पास स्टूडेंट्स है ना, ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर मैं STD लगा दूँ, इसके थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ, कॉल कर देता हूँ। आपको पता है कि पहले हम लोग किस तरीके से कॉल करते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। स्टूडेंट्स आ गए मेरे पास, फॉर एग्जांपल मैंने कहा STD, ठीक है। अब STD आ गया, मैम STD बराबर है न्यू के, ठीक है, न्यू आ गया और स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे देता हूँ। लेट सपोज मैंने कहा हसीब, ठीक है। एंड देन उसकी जो एज है वो मेरे पास कितनी है, कॉमा लगा के एज मेरे पास उसकी आ रही है फॉर एग्जांपल 14, ठीक है, कोई भी। अब देखो ना, यहाँ पे इसको कहते हैं डिफ़ॉल्ट, या आप इसको कहते हैं कि कंस्ट्रक्टर जो है वो खुद बखुद कॉल हो जाता है। आप उसको जो है ना अगेन, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले कहा कि STD.info मतलब जो हमने शो करवाया था, अब हम ये नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट जो है ना ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो है ना वो खुद बहुत क्या कर देता है, कॉल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, और ये मेरे पास नाम आ गया हसीब, मतलब द नेम की जगह क्या आ जाएगा, हसीब आ जाएगा, और ये उसकी क्या आ जाएगी, 14 आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग प्रिंट कर देते हैं,
या आप देख सकते हैं नाम आ चुका है और एज भी आ चुका है। इसको कहते हैं, ये जो मेरे पास आया है ये मेरे पास क्या है, पिरामिडराइज कंस्ट्रक्टर है। क्या है मेरे पास, पिरामिडराइज कंस्ट्रक्टर है। और ये मैंने क्रिएट ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। पहले हम लोग क्या करते थे, अगर मैं इसको नहीं भी लगाऊंगा ना तो यहाँ पे आके एस टी डी की जगह जो है ना, हम यहाँ पे फिर यहाँ पे सिचुएशन कुछ चेंज करनी पड़ेगी, जो पिछले मैंने आपको बताया भी कि क्लास के अंदर हम लोग कैसे शो करते हैं, ठीक है ना। असल में ये कंस्ट्रक्टर है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग इस तरीके से पैरामीटर को क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर मैं न्यू लगाया है, देखते अगर न्यू नहीं भी लगाएंगे तो मेरा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा, बिल्कुल चल रहा है। मैंने कहा भी था कि न्यू लगाएंगे भी तो बेहतर है, न्यू लगाना बेहतर है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक हो गया। अच्छा अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास जो है और किस तरीके से, मतलब जो नेम कंस्ट्रक्टर होते हैं वो किस तरीके से क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा कि आपने इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि यहाँ से भी जो है ना पैरामीटर पास होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और इसी को मैं जो है ना क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसी को मैं कमेंट कर देता हूँ, मैंने कमेंट कर दिया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कर्ली ब्रेकर्स ओपन कर लिए। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना हो, देखो एक हम मैं क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट्स के नाम से, बिल्कुल सेम मैं डिक्लेयर पहले मैं क्लास बनाता हूँ, ये मेरे पास आ जाएगा मेन का, और मेन से पहले यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई, मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, मैंने क्लास बनाई स्टूडेंट्स के नाम से, स्टूडेंट्स के नाम से मैंने एक क्लास बनाई और यहाँ पे मैंने कलर ब्रेकर्स को ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करता हूँ, मैंने कहा है स्टूडेंट, ये मेरे पास जो है ना नेम कंस्ट्रक्टर है, ये मेरे पास क्या है, नेम कंस्ट्रक्टर, जो अभी मैं एक प्रोग्राम बनाने लगा हूँ, ठीक है। तो मैंने स्टूडेंट्स और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एंड देन यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स के नाम से एक फंक्शन बनाई। अच्छा अब मैं क्या करने लगा हूँ, देखो पहले मैं आपको ये देख सकते हैं, इसलिए मैंने कमेंट्स किया था कि आपको समझ आए। पहले हमने यहाँ पे पैरामीटर को पास किया था, अब हम यहाँ पे पैरामीटर को पास नहीं कर रहे, इसलिए कमेंट्स करने का मेरा मतलब यही होता है कि आपके सामने जो है पहले की सिचुएशंस क्या हो, मौजूद हो, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करने लगे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ एक लाइन, और मैंने कहा प्रिंट बेस्ट कोडिंग बाय आसिफ, ठीक है, मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया। अब मैं कोई दूसरा सेकेंड कंस्ट्रक्टर जो है यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आके एक मैं सेकेंड कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेता हूँ, मैंने कहा सेकेंड कंस्ट्रक्टर एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट्स डॉट नेम कॉन्स, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी मेरे पास मैं जो भी देना चाहता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कहा कि स्ट्रिंग जो है, ठीक है, स्ट्रिंग के नाम से जो है ना क्या है ब्रांच है, मतलब कोई भी हमारे पास करेक्टर है, ठीक है, मैंने स्ट्रिंग को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, एंड देन यहाँ पे जो है ना मैं क्या करता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स ओपन कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ प्रिंट के अंदर, मैंने कहा द नेम इज, या आप कह सकते हैं द ब्रांच इज आपको पता है कि जो भी हम लोग स्कैन करते हैं या जो भी हम लोग सेव करते हैं यहाँ पे उसका एड्रेस, तो हम लोग क्या करते हैं डॉलर लगाते हैं, कलर ब्रैकेट्स, यहाँ पर मैं कहता हूँ ब्रांच ANCH ब्रांच लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे कलर ब्रैकेट्स क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, एंड देन लास्ट में सेमी कॉलम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या करना है, मैंने कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट की तरफ जाना है यहाँ पर आके, और इसी को यहाँ पे क्या कर देना है, मैंने कॉल कर देना है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्रिएट करूँगा ऑब्जेक्ट को, मैंने कहा STD के नाम से, मैंने कहा STD स्टूडेंट्स के नाम से मैंने कहा STD, ठीक है, STD1 नहीं लिख दो, ठीक है ना, या STDX लिख दो, STDY लिख दो, कोई इशू नहीं है इसमें, STDX लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, STD1 लिखोगे।
आपने क्या करना है, जस्ट वहाँ पर आपने डिफाइन करना है। मैंने कहा एस टी डी वन बराबर है न्यू, ठीक है, एंड देन स्टूडेंट। क्या स्टूडेंट, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने क्या कहा, सेमी कॉलन लगा दो। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, ऑब्जेक्ट फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पर मैंने क्या करना है, क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट के लिए जो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं वो हमने क्रिएट करना है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल एस टी स्टूडेंट एस टी डी टू के नाम से, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा कि ये बराबर है न्यू स्टूडेंट कॉन्स्ट के, ये मेरे पास आ चुका है स्टूडेंट डायरेक्ट। और यहाँ पे मैं जो भी पैरामीटर जो भी मैं पास करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल ब्रांच के अंदर यहाँ आके द ब्रांच इस कोई भी आप ब्रांच, मतलब कि मैं कह सकता हूँ मेरा है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर साइंस है। और लास्ट में मैं क्या कर देता हूँ, सेमीकोलन लगा देता हूँ। क्या लगा, मैंने सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है। अब ये स्टूडेंट्स मेरे पास जो प्रोग्राम है वो क्या है, बन चुका है। और हम लोग अभी क्या करते हैं, रन कर लेते हैं। पहले इसमें हमने क्या किया था, आपको मैं पहले भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ ताकि आपका कौन सा अच्छी तरीके से क्लियर हो। पहले हमने यहाँ से पास करवाए थे नाम और एज, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से पास नहीं करवा रहे बल्कि हमारे पास एक दूसरा कंस्ट्रक्टर हमने बनाया है जो कि कॉन्स्ट के नाम से है, और वो हम लोग यहाँ से पास करवा रहे हैं, यहाँ से पास करवा रहे हैं, ठीक है। पहले हमारे पास क्या होता है, हमने यहाँ पे पैरामीटर दिए थे, ठीक है ना, वहाँ पर। अब हम लोग ने यहाँ पर पैरामीटर नहीं दिए डायरेक्ट, हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि हमें शो कर दो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं और रन कर देते हैं, देख लेते हैं, ये देख सकते हैं बेस्ट कोडिंग बाय आसिम और द ब्रांच इज़ कंप्यूटर साइंस। देखो कंप्यूटर साइंस यहाँ पर नहीं है, कंप्यूटर साइंस यहाँ पर है जो कि हम लोग यहाँ से पास करवा रहे हैं, किसके नाम से, जो हमने कॉन्स्ट नेम लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी के थ्रू हम लोग क्या करवा रहे हैं, इसको वहाँ के थ्रू क्या करा रहे हैं, पास करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं नेम कंस्ट्रक्टर कहा जाता है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ ये आपको कंस्ट्रक्टर अच्छी तरीके से क्लियर होगा। पहले आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखें, उसके बाद नेम कंस्ट्रक्टर देखें, एंड देन आप उसको उसकी सिचुएशन देखें क्या क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। और इसमें भी अगर कोई परेशानी है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।